सो गाइस फाइनली 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 यामाहा R3 एंड MT-03 इंडिया में लॉन्च होने वाली है बहुत जल्दी। और ये कंफर्म न्यूज है कि R3 और MT-03 इंडिया में आ रही है, और कब आ रही है वो वीडियो में आगे बताते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉर्थ साइडर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, R3 के बारे में आप सभी को पता है कि एक ऐसी बाइक है 300cc सेगमेंट में जिसकी डिमांड काफी है इंडियन मार्केट के अंदर। उसी के साथ साथ अगर हम MT-03 की बात करें तो नेकेड वर्जन में MT-03 की भी भाई बहुत ज्यादा डिमांड है इंडिया के अंदर। और ये दो बाइक सी ऐसी थी 300cc सेगमेंट के अंदर यामा की जो इंडिया में लॉन्च होने का नाम नहीं ले रही थी। तो फाइनली ये बाइक लॉन्च होने वाली है, और कब लॉन्च होने वाली है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वीडियो पूरी देखना भाई, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ सारी चीजें। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई MT-03 के बारे में। MT-03 के बारे में गाइस आप सभी जानते हो, MT-03 जो है वो एक नेकेड वर्जन है R3 का, जिसमें सेम इंजन सेम ट्रांसमिशन दिया हुआ है यामाहा ने। और राइडिंग पोस्चर के मामले में MT-03 जो है वो R3 से बहुत ज्यादा कम्फर्ट है, क्योंकि दोनों बाइक ही अलग अलग सेगमेंट की है, एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर है और दूसरी स्पोर्ट्स टूरर है। बाकी R3 की बात करें तो भाई R3 के बारे में बताने की मुझे लगता नहीं कि नीड है। तो गाइस मेन मुद्दे पे आते हैं और बताते हैं कि बाइक कब लॉन्च हो रही है। देखो मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ आज है 5 अप्रैल 2023, मतलब 5th अप्रैल 2023। और मोस्टली R3 और MT-03 जो है वो 25 या 30 अप्रैल के बीच इंडिया में लॉन्च होने वाली है, और भाई ये बिल्कुल पक्की न्यूज़ है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं दोनों बाइकों के प्राइस की। तो MT-03 जो है उसका जो प्राइस है वो ऑन रोड प्राइस होने वाला है 3,80,000 रुपए के आसपास, और जो यामाहा R3 है उसका ऑन रोड प्राइस होने वाला है 4,60,000 रुपए के आसपास। अब बात कर लेते हैं भाई 4,60,000 रुपए में आपको क्या क्या मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई लुक्स जो है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू मिलेगी आपको। फ्रंट में आपको USD फोर्क मिलेंगे, और हेडलाइट जो है वो R1 टाइप की दिखेगी, एंड जो स्पीडोमीटर है वो कलर TFT स्पीडोमीटर आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि कलर कंसोल देखने को मिलेगा। स्लीपर क्लच बाइक में आपको देखने को मिलेगा, क्विक शिफ्टर आपको बाइक में देखने को मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फीचर हैं जो आपको न्यू R3 में देखने को मिलेंगे, मतलब कि सेकंड जेन की R3 में देखने को मिलेंगे। बाकी जब बाइक शोरूम पे आ जाएगी तो एक वॉक अराउंड रिव्यू देंगे, एक डीप डिटेल रिव्यू देंगे। ये बस इन्फॉर्म करना था आपको कि भाई R3 और MT-03 बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाली है। सो गाइस इस वीडियो को इतना रखते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग गाइस। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अपने भाई को ऐसी इन्फॉर्मेटिव पोस्टिंग देखने के लिए।